दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के फिफ्थ ओशन के बारे में। हाँ सही सुना आपने, दुनिया के फिफ्थ ओशन के बारे में। दुनिया को मिला है एक और ओशन, ए न्यू ओशन। सदर्न ओशन के नाम से जाना जाएगा क्योंकि ये अर्थ के साउथ पोल के पास है। नए महासागर की पहचान नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी द्वारा की गई थी जो 1950 से नक्शे बना रही है और अब तक अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय, आर्कटिक महासागरों को मान्यता दे चुकी है। पृथ्वी में 71% पानी है और जो लोग भूगोल से परिचित है वे जानते हैं कि भूभाग के चारों ओर चार महासागर है। चार नहीं, अब पांच महासागर है। राष्ट्रीय भूगोल के मानचित्रकारों ने अब दक्षिणी महासागर को ग्रह पर पांचवें महासागर के रूप में पहचाना है। दक्षिणी महासागर को भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा अंटार्कटिक के तट से 60 डिग्री दक्षिण में अक्षांश की रेखा तक फैले पानी की शरीर के रूप में मान्यता दी गई है। पहले चार ओशन थे और फिर फिफ्थ क्यों? और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 1990 की शुरुआत में दक्षिणी महासागर को मान्यता दी थी, जब US बोर्ड एंड जियोग्राफिक नेम्स ने दक्षिणी महासागर को नामंजूरी दी थी। लेकिन इस महासागर को अभी तक विश्व स्तर पर मान्यता नहीं मिली है और यह कुछ विवादों का विषय रहा था। दक्षिणी महासागर का पानी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त निकाय हुआ करता था। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एक समूह है जो समुद्री नामों को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करता है। इसे 1937 में स्वीकार किया गया लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार समुद्र की सटीक सीमाओं पर विवाद के कारण 1953 में निर्णय को उलट दिया। नए महासागर की प्रस्तावित सीमाओं पर आयोजकों के सदस्य देशों की असहमति के कारण बहस तब से जारी थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने लंबे समय से दक्षिणी महासागर को पहचाना है और दावा किया है कि इसके अद्वितीय गुण हैं। ये अपने पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के भूगोल वक्ता एलेक्स टेट ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र दक्षिणी महासागर में है, रॉस सागर है, और पोषक तत्वों से भरपूर पानी की रक्षा के लिए बनाया गया था जो क्रिल, पलवक, पेंगुइन, वेल और बहुत कुछ का समर्थन करता है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।